बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ घर पे सादा नान बनाने का तरीका। तो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आप देख लें, मैदा, बेकिंग सोडा, चीनी, दही, बेकिंग पाउडर, नमक, घी और पानी डो बनाने के लिए। चले आए, अब डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे 2 कप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, चीनी 1 चम्मच, दही 1 प्याली, घी 1 चम्मच, नमक आधा खाने वाला चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 खाने वाला चम्मच। पानी हम लेंगे डो बनाने के लिए हसबे ज़रूरत। हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब हम ना इसे 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा आटा तैयार है, अब हम पेड़े बना लेते हैं। पेड़े हमारे बन गए। चूल्हा जो मैंने पहले से जलाया हुआ था, अब हम पैन रख लेते हैं। इस पे दो मिनट पैन गर्म हो जाए, फिर हम तब तक हम नान को बेल लेते हैं। जो साइड हमारी पैन के अंदर होगी उस पर थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे। नीचे वाली साइड पे पैन हमारा गर्म हो गया, अब हम पैन में डाल देंगे।
ये देखें हमारा नान बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे, दोबारा हम अगले नान को बेल लेंगे। जब हमारा नान हल्के सिक जाए नीचे से तो फौरन फ्राई पैन को पलट दें, आंच तेज कर ले। ये देखें हमारा नान कितनी अच्छी से तैयार हो गया। हमारा नान बिल्कुल तैयार है, इसी तरह हम सारे नान बना लेंगे अपने। मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।